नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से इस वीडियो में जो कि पार्ट 51 है आपका लक्ष्मीकांत का, फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको समझाऊंगा। वही बात, अगर आपने किताब नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए और मेरे साथ बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें। फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला फीचर जो हम देखेंगे वो है ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब क्या हुआ, देखिए, ड्यूअल पॉलिटी और बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म अगली जगह पे आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों देखिए अलग अलग चीजें हैं। बाइकैमरलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग एंड ड्यूअल पॉलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब क्या हुआ, दो लेवल ऑफ गवर्नेंस। दो लेवल ऑफ गवर्नेंस मतलब यूनियन पे एक गवर्नर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, स्टेट पे एक गवर्नमेंट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। अब तो देखिए थ्री लेवल ऑफ पॉलिटी आ गई है, थ्री लेवल ऑफ गवर्नेंस आ गए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायत बन गई हैं और म्यूनिसिपैलिटी बन गई हैं। पंचायत रूरल एरिया से गवर्नेंस करती हैं और म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरिया से गवर्नेंस करती हैं। तो हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, ड्यूअल पॉलिटी, सेंटर का अलग स्टेट का अलग। अब यहां पे कुछ ओवरलैपिंग है जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर्स। अगर आप बात करो यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट गवर्नेंस में क्या क्या करेगी, तो वो फील्ड जो कि पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे देश की सिक्योरिटी, डिफेंस, मिलिट्री को बढ़ाना है, हमारी नेवी को स्ट्रांग करना है, आर्मी को स्ट्रांग करना है, एयरफोर्स को स्ट्रांग करना है, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना है, तो इन सब चीजों को कौन देखेगा, तो केंद्र की सरकार देखेगी। फॉरेन अफेयर्स, तो भाई चीन के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, यूएई के साथ, दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज है, अफ्रीका की कंट्रीज, इनके साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी को डिसाइड करने की ताकत किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। करेंसी को डिसाइड करने की ताकत किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आरबीआई किसके कंट्रोल के अंदर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर काम करता है। हालांकि आरबीआई कुछ हद तक ऑटोनॉमस है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है आरबीआई पे। फिर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में आपने सुना होगा दोस्तों, जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता है, जिसको जो टेलीकॉम कंपनीज है वो खरीदती हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट करती है। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट, जो भाई लोकल इंपॉर्टेंस की चीज है, जो कि स्टेट लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, तो पुलिस आप नॉर्मल कर देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। फिर स्टेट के पास एग्रीकल्चर होता है, हेल्थ सेक्टर में रिलेटेड चीजें स्टेट करता है, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों की ताकत स्टेट के पास होती है। और वहीं पे यहां पे आ जाता है आपका डिवीजन ऑफ पावर्स। देखिए साफ साफ हमारे संविधान में बता रखा है कि कौन सी चीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है और कौन सी चीज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है और कौन सी चीजों के ऊपर दोनों नियम कानून बना सकते हैं। तो अगर आप बात करो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके अंदर तीन लिस्ट है, एक है आपकी यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट, एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 98 सब्जेक्ट हैं, जो कि पहले जब ओरिजिनली बनी थी तो 97 थे। स्टेट लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट्स हैं, पहले जब बनी थी तो 66 थे। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, जब पहले लिस्ट बनी थी तो 47 सब्जेक्ट्स थे। मतलब ये वो जगहें हैं, ये वो डोमेन्स हैं। 98 डोमेन्स में केवल केंद्र की सरकार नियम कानून बना सकती है, 59 डोट्स में, ये डोमेन्स में केवल राज्य की सरकार नियम कानून बना सकती है, 52 डोमेन्स में आपकी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों नियम कानून बना सकती है। मान लीजिए कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी लिस्ट में नहीं आता, जिसको आप बोलोगे रेजिडुअरी सब्जेक्ट, ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट डिफॉल्ट में किसके पास चले जाएगा, केंद्र सरकार के पास। अगर आप यूएसए में जाते हो तो यूएसए में जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जाओ तो यूएसए के जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स है उसकी ताकत स्टेट्स के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो रेजिडुअरी ताकत थी वो गवर्नर जनरल के पास है। अभी के लिए जो हमारा संविधान है वहां पे रेजिडुअरी ताकत यूनियन के पास है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट शुरुआत में किसी भी के भी अंदर नहीं था, लेकिन जब एकदम से डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा नियम कानून बनके हमारे सामने आया जिससे डील करने की जरूरत थी, तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा, यूनियन के पास। तो ऐसी कोई भी चीज अगर निकल के आती है हमारे सामने किसी भी कंडीशन की वजह से, जो कि प्रेजेंट लॉ में ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली कहां चली जाएगी, सेंटर के पास चली जाएगी। वो अलग बात है कि बाद में सेंटर बोल दे कि हाँ भाई स्टेट्स भी इस पे नियम कानून बना सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट डिफॉल्ट में वो जाएगी कहां, सेंटर के पास।
फिर जो हमारा संविधान है वो रिटन है। रिटन का मतलब क्या हो गया कि भैया हमारे संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, क्लॉजेस हैं, सब एक किताब के अंदर लिख रखे हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है और दुनिया का लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इससे बड़ा नहीं है। लेकिन आप देखोगे दोस्तों, यूएसए के एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है। बताइए वो कौन सा स्टेट है यूएसए का जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा है, नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान। अब हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने शेड्यूल्स हैं, इनको मैं पहले आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। शुरुआत से मेरी लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखिए। हमारा जो संविधान है वो बहुत डिटेल में बताता है कि भाई सेंटर की क्या ताकतें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ताकतें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा और उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे, किन टाइम लिमिट्स में इनको ऑपरेट करना है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, गवर्नर का क्या काम है। तो जब इन सब चीजों के बारे में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जहां पे सेंटर के बारे में भी और जहां पे स्टेट्स के भी बारे में सब कुछ डिटेल में लिख रखा है, तो अब अगर सब कुछ डिटेल में लिख रखा है तो किसी भी तरीके के डिसएग्रीमेंट की कोई गुंजाइश बचती नहीं। फिर आगे आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। इससे बड़ा कोई नियम कानून नहीं है इंडिया में। लॉ ऑफ द लैंड, लैंड क्या है यहां पर? इंडिया। तो आप देखोगे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम कानून बनाए, अब चाहे हमारी जो केंद्र की सरकार है, कैबिनेट, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करे, या फिर हमारी पार्लियामेंट कोई नियम कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए, या स्टेट लेजिस्लेचर कोई नियम कानून बनाए, तो ये नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के हिसाब से होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान अगर वॉयलेट होते हैं तो जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मूल सद्भावना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो वायलेट हो रही है, तो उस नियम कानून को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको इनवैलिड दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा अंडर देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात मैं काफी बार कर चुका हूं। आर्टिकल 32 में मैंने रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की थी। आगे आर्टिकल 226 में मैं रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में बात करूंगा। कुछ हद तक मैं ये आपको बता भी चुका हूं। तो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, जो कि आपका सेंटर में होती है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनको विधानसभा, विधान परिषद ही बोलते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो जाए, चाहे वो सेंटर का कैबिनेट हो, कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट एक छोटा है जहां पे मेन मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी होती है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, या फिर जुडिशरी हो यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सब लोग चलेंगे किसके हिसाब से? ये सब लोग चलेंगे उन नियम कानूनों के हिसाब से जो कि संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, और संविधान के अंदर लिखे गए नियम कानून को कोई भी लांघेगा नहीं, कोई भी वॉयलेट नहीं करेगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी। फिर जो हमारा संविधान है दोस्तों, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा उसको आप बहुत आसानी से बदल नहीं सकते। ओके, मतलब जो भी डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया, सेंटर को ये ताकत दी, स्टेट को ये ताकत दी गई, अब हो सकता है सेंटर भाई अपने पास ज्यादा ताकत लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना आसान नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक रिजिड होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, आप उसको आसानी से बदल नहीं पाओगे। ओके, खासकर जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो रिश्ते होते हैं, जो हमारी जुडिशरी की ताकत है, हाई कोर्ट की ताकत, सुप्रीम कोर्ट की ताकत, तो इन सारे प्रोविजंस पे जो कि हमारी फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, इन प्रोविजंस को आप आसानी से बदल नहीं सकते। इनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी, और स्पेशल मेजोरिटी के बाद भी आपको आधे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भी बदला जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी जिसे कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से बदला जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी दो तरीके की होती है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। फिर आते हैं हम लोग किस पे? इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे। हमारे संविधान में ये इंतजाम किए गए कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, लेकिन हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट के साथ साथ एक और चीज है जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाईकोर्ट,
उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट एक ही चीज है। जब आप सिविल कैपेसिटी में एक जज बैठता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, जब क्रिमिनल कैपेसिटी में एक जज बैठता है वो सेशन कोर्ट हो जाता है। तो भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी जुडिशरी के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे संविधान के मूल प्रावधानों को बचा के रख सके। सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी है हमारे संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रोटेक्ट करके रखिए, आपके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। प्लस अगर सेंटर के बीच में या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या एक तरफ पे सेंटर और कुछ स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ पे कुछ और स्टेट्स हैं, इन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की ताकत किसके पास है? जुडिशरी के पास। अब जुडिशरी के पास अगर इतनी ताकत है तो भाई जुडिशरी में जो जजेस बैठते हैं उनके पास भी ताकत होनी चाहिए, उनके पास भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। और उस इंडिपेंडेंस के लिए यह बोला गया कि एक बार एक जज को अपॉइंट कर दिया गया तो मिनिमम कुछ टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होंगी, तो आप उसकी सर्विस कंडीशंस को, उसको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती हैं, जो ऑफिशियल उसको सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं को उसके अपॉइंटमेंट के बाद आप उसके डिसफेवर में बदल नहीं सकते। यानी कि मान लीजिए एक जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट के जज का पैकेज फिक्स हो गया कि हाँ भाई इतनी सैलरी है आपकी, तो उसकी सैलरी को घटाया नहीं जा सकता उसके अपॉइंटमेंट के बाद। कल की डेट में मान लीजिए वो जज सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की सुनी नहीं रहा है तो गवर्नमेंट में दिमाग खराब हो गया, उन्होंने एक एक्ट पास किया, जज की सैलरी घटा दी, ये नहीं हो सकता। एक बार जज को जिस सैलरी पे, जिस पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की कंडीशन पे अपॉइंट किया गया है, वो प्रिविलेजेस, वो पर्क्स उस जज को मिलती रहेंगी अनटिल एंड अनलेस देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी न लग जाए। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब जरूर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, इनकी तनख्वाहें काटी जाती है। देखिए अभी कोरोना के पैंडेमिक के दौरान फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे भी नहीं, तब भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तनख्वाहें काटी, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाह काटी। तनख्वाह तो एक्चुअली नहीं काटी, जो डीए बढ़ाना था, जो आपका डियरनेस अलाउंस होता है वो बढ़ना था, उसके चक्कर में नुकसान हुआ। तो एक ग्रेड बी एम्प्लॉय का भी 5 से 6 हजार रुपए महीने का उसकी सैलरी जो बढ़नी थी नहीं बढ़ी, तो सालाना 70 से 80-90 हजार का उसका नुकसान हुआ। तो ये है आपका सीन। तो मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी दौरान ही सैलरी काटी जा सकती है तो नहीं काटी जाएगी, और जज की भी अपॉइंटमेंट के बाद उसकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। और फाइनली आते हैं हम बाइकैमरलिज्म पे। बाइकैमरलिज्म का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सेंटर की बात की जाए तो सेंटर में होता है आपका लोकसभा, जिसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की सिग्निफिकेंस क्या है? राज्यसभा सेंटर में किसको डिनोट करता है? स्टेट्स को, क्योंकि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो चुन के अपने मेंबर्स को राज्यसभा में भेजती है। 1 से लेके 31 तक की मेंबरशिप वैरी करती है। 31 मेंबर सबसे ज्यादा कहाँ पे है राज्यसभा में? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आप बताइए उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 400 के अराउंड है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने हैं एग्जैक्ट। तो भाई उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 मेंबर जाएंगे। इन 31 मेंबरों को कौन चुनेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो राज्यसभा है वो सीधे सीधे अलग अलग जो स्टेट्स है इंडिया उनके इंटरेस्ट को देखता है, और लोकसभा के लिए तो आप सीधे सीधे जाके वोट डालते हो दोस्तों। तो ये बाइकैमरलिज्म है। राज्यसभा को क्यों रखा गया? राज्यसभा को इसलिए रखा गया है कि लोकसभा एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो अगर कोई एक ऐसा एक्ट है जो कि देश हित में नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के हित में नहीं है, जहां पे एक मेजोरिटी सेक्शन माइनॉरिटी सेक्शन को दबा रहा है, तो उस केस में भले ही वो एक्ट लोकसभा में पास हो जाए बट राज्यसभा उसको रोक सकता है। और कुछ बहुत अच्छी चीजें की गई हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराना है तो लोकसभा से अलग पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा से अलग पास कराना पड़ेगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो राज्यसभा को अच्छी खासी ताकत दी गई है। हालांकि अगर आप सीधे सीधे कंपेयर करोगे तो राज्यसभा के पास लोकसभा से कम ताकत है। जैसे अगर आप बजट की बात कर लो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो, तो राज्यसभा के पास लिटरली कोई ताकत ही नहीं है उसमें। बट फिर भी भले ही राज्यसभा के पास कम ताकत है, राज्यसभा लोकसभा की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज को, लोकसभा की डिस्क्रिशनरी टेंडेंसीज को बहुत हद तक चेक कर सकता है, बहुत हद तक रोक सकता है, और स्टेट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है व्हेन इट कम्स टू लोकसभा। कौन इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहा है स्टेट के? राज्यसभा कर रहा है। तो ये था दोस्तों आपके
फीचर्स ऑफ द फेडरल ये स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अगर ये खासकर ये बात है दोस्तों कि हमारे इंडिया का जो संविधान है उसमें कौन कौन से फेडरल फीचर्स है, यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हो सके तो इन वीडियोस को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने ज्यादा दोस्तों के साथ आप इन वीडियोस को शेयर करोगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा मुझे थोड़ा सा फायदा होगा, थोड़े और व्यूज मिलेंगे। अब मैं व्यूज के लिए तो देखियो बोलूंगा ही, मेन जो मेरा मकसद है वो ये है कि जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बींग हूँ। मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा लोग देखें भाई, जब ज्यादा लोग देखेंगे तो मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा। सही बात बताता हूँ, जो ये YouTube के व्यूज आते हैं इनसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन हाँ, एक बार अगर एक इंसान को रिकॉग्निशन मिलता है तो उससे भी बहुत एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स मिलता है। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ भाई लाइक करिए, शेयर करिए। कहना अच्छा तो नहीं रहता बट कहना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी को देखा जाए तो अगर मैं आपसे नहीं बोलूंगा ना तो शायद आप एक बार को भूल जाओ करना, इसलिए मैं रिमाइंड कराता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कोरोना से बच के रहें।